सबको मेरा नमस्कार। आज हम बनाने जाने वाले हैं पोटैटो करी। फर्स्ट हमें एक हॉट पैन लेना है, उसमें हम तेल डालेंगे। 2-3 स्पून्स डालेंगे हम तेल। अच्छा से गरम होने दीजिए। इसमें हम डालेंगे लौंग, पट्टा, साजीरा, राई जीरा, लौंग, पट्टा, ये अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डाल लेंगे ऑनियंस या प्याज। मैं इधर 2-3 प्याज ली हूँ। आपको प्याज पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल ले सकते हैं। इसमें अब डालेंगे चिल्ली, ग्रीन चिल्ली डालेंगे, हरी हरी मिर्च डाल लेंगे और हम अच्छे से हिलाएंगे उसे। इसे हमें अच्छे से ब्राउन कलर होने तक अच्छे से तल लेना चाहिए। अच्छा से स्मेल आ रहा है। अच्छा से ब्राउन कलर होने तक हमें तल लेना है इसे। ये अच्छे से होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू। मैं इधर 1/2 किलो आलू लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, आलू के अनुसार हम इसमें हल्दी डालेंगे। उसके बाद हमें मिर्ची लेना है, मिर्ची डालेंगे। मुझे मिर्ची डालना अच्छा लगता है, स्पाइसी बना रहे हैं। आप होना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। स्वाद अनुसार अब हम इसमें डाल लेंगे। डाल लेने के बाद अब हम इसमें मसाला डालेंगे। चाट मसाला डाली है मैं ताकि उसे हमें टेस्ट अच्छा लगे। ये हम होना है तो चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत टेस्टी दिखा है, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये अच्छा से थोड़ी देर पकना चाहिए तेल में। अब थोड़ी देर के बाद इसे हम हिला लेंगे। थोड़ी देर तक इसे ऐसे ही रख के हिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ी देर के बाद अच्छा से तल लेने के बाद अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। मैंने
वन एंड हाफ ग्लास लिया है पानी, आप होना है तो 1 और 2 ग्लासेस डाल लीजिए। उसके बाद हम इसका मोटा लगा देंगे। कम से कम हमें 3 से 4 सीटी तो ज़रूर आनी चाहिए ताकि अच्छा सा पक जाए। मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम लगाइए ताकि ये जल्दी से सीटी आ जाए। कम से कम 4 से 5 सीटी तो आने ही चाहिए। अब हम इसका सीटी निकाल लीजिए। लीजिए, अब हमारा आलू तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। थोड़ा ठंडे होने दीजिए। बहुत टेस्टी बना है, देखने में से मुंह में पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी बना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन रहा है। ये चाट के लिए भी बहुत टेस्टी दिखेगा। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है ये। मुंह में तो पानी आ रहा है। आप होना है तो इसके ऊपर थोड़े कोरिएंडर भी डाल ले सकते हैं ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए और डाइजेशन भी अच्छे से हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।